यहाँ पे मैंने तिल ले लिए हैं और साफ भी कर लिए हैं, क्योंकि ये घर के वैसे देसी तिल हैं, बाहर के मार्केट के लेके आओ तो वो वैसे ही साफ रहते हैं। और इन्हें मैं थोड़ा सा कढ़ाई में सेक लेती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा सा भून लेती हूँ, ज़्यादा नहीं भूनूँगी, हल्का हल्का सा भून लेती हूँ। फिर उसके बाद इन्हें पीसूँगी और मैं बनाऊँगी इनके तिल के लड्डू, तो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे तिल भून गया था और ठंडा हो गया था, तो उसके बाद मैंने जार में डाल लिया है। अब इसे मैं पीस के पाउडर बना लेती हूँ, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा पीस लेती हूँ, पाउडर नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है थोड़ा सा, और अब तो यहाँ पे तिल भी पीस लिए हैं मैंने, और ये काजू और बादाम भी पीस लिए हैं मिक्सी में ही। और अब भून लेते हैं मावा, तो थोड़ा सा मावा भून लेते हैं और फिर उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा, तो फिर सारी चीज़ इसमें मिक्स करके लड्डू बना देंगे। तो यहाँ पे मावा मैंने भून दिया था और ठंडा भी हो गया था, तो अभी इसमें मैं ये मिक्स कर लेती हूँ। और ये कटोरे में रखी है बूरा, तो ये तीनों चारों चीज़ें मिक्स करके और फिर मैं बनाऊँगी इसके लड्डू। तो पहले मैंने डाल लिए काजू बादाम, फिर डाले थे तिल, उसके बाद फ़ोन आ गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और फिर ये बूरा रखी हुई है, ये डाल ली थी मैंने और फिर सारी चीज़ मिक्स कर ली थी, तो काफ़ी अच्छे लड्डू बने थे। और यहाँ पे मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, मैंने कहा हाथ से अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और हाथ से बनाने भी है लड्डू, तो फिर हाथ से ही सही रहेगा, तो इसलिए मैंने चम्मच से नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ इसमें तेल जो मैंने भून के और पीस के रखे हुए थे, तो यहाँ पे मैं पहले थोड़े से डाल लेती हूँ, मैंने कहा देख लेती हूँ कहीं ज़्यादा हो जाए, क्योंकि तिल गर्म रहते हैं इसलिए। तो यहाँ पे ये लड्डू बन गए थे, फिर मैंने प्लेट में रख दिए थे, या मैंने डब्बे में करके फ्रिज में रख रही थी, क्योंकि मावा रहता है ना, तो मैंने कहा गर्मी होती है अभी जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो मैं डब्बे में करके इन्हें फ्रिज में रख रही थी। तो काफ़ी टेस्टी लड्डू बने थे, आप भी ट्राई करके देखना। और ये है फिर अगले दिन का, मावा बच गया था क्योंकि 1 किलो मावा था, तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, मैंने कहा तिल के ज़्यादा ना बनाऊँ क्योंकि गर्मी होती है अभी से, तो सर्दी में बना दूँगी। मैंने कहा थोड़े से नारियल के बुरादे के बना दूँगी, भैया भी खा लेगा, कम गर्म रहे, मतलब ये गर्म नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैं अगले दिन फिर मावा भून रही थी, और यहाँ पे काजू बादाम ले लिए थे, इन्हें पीस लेती हूँ। पन्ने में नारियल का बुरादा रखा है, तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया था मावा जो मैंने भुना था, तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ नारियल का बुरादा और ये मिक्सी के जार में रखे काजू बादाम, फिर ये डाल देंगे और बूरा डाल के कर देंगे फिर मिक्स, और फिर बना लेंगे इसके लड्डू। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया, पहले मैं कम डाल रही थी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा डाल के देखूँ, मतलब जितना हो जाएगा उतना ही इसमें मैं डालूँगी। यहाँ पे डाल दिए काजू बादाम पीसे हुए, और अब डालूँगी बूरा, और इसमें बूरा की जगह मैंने डाल दिया था नमक, तो मेरा सारा मावा हो गया था ख़राब। तो यहाँ पे ये जो मैं डाल रही हूँ ये बूरा नहीं है, नमक है, क्योंकि दोनों सफ़ेद पन्नी थी और इसमें नमक रखा था पहले कभी, और मेरे याद नहीं था कि नमक भी मैं पन्नी में रख सकती हूँ, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया इसमें नमक मिक्स। और फिर उसके बाद जो हुआ दिमाग ख़राब कि पूरा मावा भी ख़राब गया और मेहनत भी, ड्राई फ्रूट भी पीस के डाले, सब बेकार गया। तो अभी तक तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बूरा है और मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर मैंने संजीव को खिलाया कि बेटा मीठा चख के देखना, तो उसने कहा मम्मी ये तो खारी जा रहे हैं, एकदम से कड़वे हो रहे, खारी हो रहे। तो मैंने सोचा था चल इसे धो लेती हूँ, कुछ निकल जाएगा तो मावा चलने से, मम्मी इनका धो के देख लिया कि नमक वो हो जाए। तो मैंने धोया तो लेकिन कुछ नहीं निकला, बस नारियल का बुरादा और काजू बादाम निकले थे, मावा तो सब बह ही गया था, छलनी से छाना था फिर। तो आज मैंने आपके साथ तिल के लड्डू की रेसिपी शेयर की है, वो तो हो गए थे अच्छे, और जो अगले दिन किया था वो मैंने आपके साथ बताया ही कि वो पूरा बेकार हो गया था, और उसमें मैंने नमक डाल दिया था बूरा की जगह, और वो मुझे याद नहीं था क्योंकि मैं नमक कभी रखती ही नहीं, ऐसे पैकेट से सीधा नमक के डब्बे में डालती हूँ। और वो एक बार कढ़ाई में कुछ किया था वाइट नमक का, तो उसमें कढ़ाई में डाला था और वो खाली करके मैंने अलग डब्बे में रख दिया था, मैंने कहा ये कढ़ाई का नमक ही से अलग रख देती हूँ, वैसे तो हम संधा नमक लेके आते हैं, और नमक और बूरा तो मैं कभी साथ रखते ही नहीं। और वो उस मैंने सोचा कि ये पुरानी बूरा रखी हुई है, आज मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, कल तो नई मंगवाई थी तिल के लड्डू के लिए, तो फिर मैंने सोचा पहले ये पुराने वाली है ना इसे यूज़ कर लेती हूँ, और चखी नहीं, वही मैंने इसमें भी डाल दी। और जो प्रसाद बनाया था शुक्रवार का आटे का, उसमें भी मैंने वही डाल दी बगैर चखे, मैंने सोचा कि ये
बुरा है और मैं पहले इसे यूज कर लेती हूँ, तो वो मैंने दोनों चीज़ों में डाल दी और फिर सब ख़राब हो गया, वो मैंने आपको बताया ही। और आप बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।